नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित प्यारे और मैं आप सबका नमस्कार न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, बड़े बड़े भविष्य बताने वाले लोग देखे होंगे। कोई चेहरे को देखकर बता सकता है कि आप जीवन में क्या करते हैं, कोई हाथ की रेखा देखकर बता सकता है कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या आपने समझा है कि एक ऐसे भी इंसान है जो आपके हस्ताक्षरों को देख के भी कुछ बता सकते हैं? तो आइए दोस्तों, आज की एक पहला इंटरव्यू और पहली मुलाकात करते हैं श्री प्रकाश जालुका जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बताइए सर, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे शुरुआत हुई आपकी? मैंने ना सिर्फ यही एक विद्या, और भी बहुत सारी विद्याओं पे मैं काम करता हूँ। तो ये होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा द टिप ऑफ आइसबर्ग। जी। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग क्या होता है? जैसे बहुत छोटी सी चीज़ हम देखते हैं, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है। तो उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है वो दो होते हैं, उस जो मेंटल लेवल पे हम जो काम करते हैं, एक हमारा माइंड होता है कॉन्शियस माइंड, और दूसरा जो हमारा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो आज हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो हम जागते हुए कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्शियस चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं, और उसमें से जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता भी नहीं होता और हम कर रहे होते हैं, क्योंकि डीप रूटेड हमारे कुछ बिलीफ लेवल होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए होते हैं। तो आपके हस्ताक्षर भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। जी। क्योंकि आप जब लिखते हैं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे हैं एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर के साथ पढ़ते हैं, लेकिन एक लेवल आता है कि जब वो एक पर्टिकुलर एज में जाते हैं, उसके बाद में उन लोगों की जो है हैंड राइटिंग्स हैं, हस्ताक्षर हैं, वो सब बदल जाते हैं। जी। तो उसका पीछे एक वजह क्या होती है? क्योंकि भले दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही टीचर से पढ़े हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग स्तर पे जाके डेवलप हो रही है। जैसे कि अभी कई लोगों की नेगेटिव थॉट्स हो सकती है, कोई लोगों की पॉजिटिव हो सकती है, कई लोगों की लीडरशिप अच्छी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रावर्ड्स हो सकते हैं, कोई इंट्रोवर्ड्स हो सकते हैं। किसी का बचपन बहुत बुरा गुजरा हो सकता है, किसी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा हो सकता है, कोई भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हो सकते हैं, कोई भविष्य को लेकर बहुत निराशावादी हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हस्ताक्षर में दिखती है। कई लोगों को ये पता नहीं होता। अब आपने देखा होगा कई लोगों का ऐसा होता है कि वो लिखते हैं एक समझो राइट हैंड से, किसी एक हाथ से, और कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें वो अपना हाथ खो देते हैं, या कुछ दिनों के लिए वो हाथ उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो अपने दूसरे हाथ से लिखना शुरू करते हैं। और आप देखेंगे थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के बाद में, कुछ दिनों बाद में, वो अपने दूसरे हाथ से भी एग्जैक्टली सेम हैंड राइटिंग लिखना शुरू कर देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कभी ऐसा नहीं होता कि हम एक हाथ से एक हैंड राइटिंग लिख रहे थे और उसके बाद में दूसरे हाथ से प्रैक्टिस कर रहे, तो हम किसी और की हैंड राइटिंग की कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। जी जी, बिल्कुल। हम हमेशा हमारी जो हैंड राइटिंग लिखते हैं, जिस हाथ से हम लिख रहे हैं, हमेशा हम अगर दूसरे हाथ से भी लिखते हैं तो उसी हैंड राइटिंग की कॉपी बनती है। इसका मतलब हमारा हाथ केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, जो हम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस के थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही लिख रहे होते हैं। और सर, ये NLP के बारे में भी मैंने सुना कि आपकी मास्टरी है उसके अंदर, तो ये NLP का भी फुल फॉर्म आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, NLP का मतलब? जरूर। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब इसमें देखा होगा आपने, तीन अक्षर है न्यूरो। न्यूरो यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है वो होता है, और लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, जो भाषा से जुड़ी हुई चीज़ है, एंड प्रोग्रामिंग तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर में आजकल हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हार्डवेयर होता है। किसी भी बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर में भी अगर आपने कोई गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया है, तो हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, अगर सॉफ्टवेयर गलत है तो वो मालप्रैक्टिस करेगा ही। माल प्रैक्टिस मतलब गलत प्रैक्टिस। अच्छा, गलत प्रैक्टिस। हाँ, तो गलत तरीके से ही चलेगा। जी जी। तो उसी तरह से होता है कि हम जो है, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा ब्रेन एक कोरा कागज की तरह होता है, और उसके बाद में हम लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप जो बोल रहे हो, जैसे आप हिंदी बोल रहे हो या गुजराती बोल रहे हो या मराठी बोल रहे हो, ये तो आपने एक भाषा सीख ली उम्र के साथ साथ, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कोई ना कोई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो भाषा यानी लैंग्वेज क्या होती है? एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लाइक वर्बल लैंग्वेज, जो हम बोल रहे हैं, और दूसरी जो होती है वो नॉन वर्बल लैंग्वेज, जो हम बोलते नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे हाव भाव, चेहरे,
के हाव भाव से दिखता है, या कई बार आप कुछ नहीं बोल रहे वो भी एक लैंग्वेज है. करेक्ट करेक्ट, सही बात है. तो वो सारी चीज़ों को मिला के ये NLP बना है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. अब ये इसमें कीबोर्ड का काम करते हैं, जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कीबोर्ड का काम करते हैं हमारे 5 senses, जिनके जरिए हम ये सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं. आपने बचपन से जो देखा है, जो सुना है, जो महसूस किया है, जो आपने स्वाद चखा है, या जो आपने खुशबू ली है, सुगंध ली है, इन 5 senses के जरिए आप इसको प्रोग्राम करते हैं. अब ये एक्चुअली 1970 के आसपास से ये जो है विद्या चल रही है. अमेरिका में कुछ दो लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और उनके साथी ने. लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आज, जब क्योंकि मैं इस काफ़ी सालों से इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ, प्लस अपने इंडियन जो स्क्रिप्चर्स है उनको भी मैं पढ़ते रहता हूँ, तो पता चलता है कि ये चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पे जो भी मैसेज मिलते थे स्क्रिप्चर्स में वो थोड़ी गूढ़ भाषा में होते थे. तो वो हर व्यक्ति समझ नहीं पाता जब तक कि वो उस लेवल तक अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करे. जी जी. तो उसी तरह से होगा. अब आपने कई बार सुना होगा 5 हमारी इंद्रियां. तो ये इंद्रियां क्या है? अल्टीमेटली तो ये सेंसेस ही है ना. सेंसेस, राइट. और कहते हैं कि 5 इंद्रियां आपके काबू में होनी चाहिए. इसका मतलब ये 5 senses जो है वो आपके काबू में होने चाहिए. जैसे सर, जैसे अभी समझो आपको मैंने, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो बोला तो आपने कहाँ से सुना? कान से सुना. कान से सुना. अब आप उसको कहाँ कैसे प्रोसेस करते हो ये आपके ऊपर है. ओके. अगर मैंने समझो आपको बोला, लेकिन आप उस चीज को अगर गुस्सा हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपको वो इंद्रिय आपको कंट्रोल कर रही है. लेकिन अगर आपने किसी, आपको किसी ने कड़वा बोल दिया, उसके बाद में भी आप अपने आप को शांत रहते, तो आप इंद्रिय को कंट्रोल कर रहे हो. क्या बात है सर, बहुत. तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है. आप क्या देख रहे हो, दृश्य देख के आप कुछ देखते हो, तो आप क्या विचार पैदा करते हो अपने मन में. आप हो सकते हो कुछ सकारात्मक चीज़ें भी सोच सकते हो. आप उसी समय उसी चीज़ को देख के आप नकारात्मक भी, एक खूबसूरत लड़की जा रही है, अब उसको देख के आप सोच सकते हो, कुछ गलत विचार भी अपने मन में ला सकते हो, या कुछ अच्छे विचार, उसमें देवी का रूप भी देख सकते हो. तो ये जो देखना है ये इंद्रिय का काम है. अब उसको कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, कैसी हम धारणाएं बनाते हैं, वो हमारे ऊपर है. तो इसी तरह से आपको उन इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये हमारे पहले से सिखाया गया है. और जब जैसे जैसे आप इंद्रियों को से लेके उस उन चीज़ों को अपने ब्रेन में स्टोर करेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग करेंगे, वैसे ही आपके विचार बनते जाएंगे. और वैसे आपके विचार बनते जाएंगे तो आपके विचार जो है हमेशा आपके एक्शंस को प्रभावित करेंगे. और जैसे आप लगातार एक्शन करेंगे, उसी तरह की आपकी आदतें बनती जाएगी. और जैसे आपकी आदतें बनेंगी, वैसे ही आपका चरित्र बनेगा. और जैसे आपका चरित्र बनेगा, वैसे ही आपकी डेस्टिनी होती है. और इसके अलावा आपके अंदर और क्या हॉबीज़ हैं, और क्या आप करना चाहते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी जनता को? सो प्लीज़. देखिए, मैं वैसे तो बहुत सारे मैं कार्यक्रम करता हूँ. मैं ग्राफोलॉजी है, जिसे हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस भी कहते हैं. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, मैं उसकी प्रैक्टिस भी करता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ. मैं मेमोरी वर्कशॉप्स भी लेता हूँ, छोटे से लेके बड़े लोगों, तो कैसे कोई चीज़ को याद रखना क्रिएटिव वे में, वो सारी चीज़ें सिखाता हूँ. पेरेंटिंग्स के वर्कशॉप लेता हूँ मैं, क्योंकि आज की तारीख में मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंटिंग एक बड़ा चैलेंज हो गया है. जहाँ पे माता और पिता दोनों काम कर रहे हैं, मदर फादर बोथ आर वर्किंग, और ऐसे में क्या पैसा तो सब कमा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बच्चों को संस्कार देने हैं, बहुत सारी चीज़ें देनी है, वहाँ पे बच्चे पीछे पिछड़ रहे हैं. तो पेरेंटिंग एक चैलेंज बनते जा रहा है आज के युग में. तो उसके ऊपर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, और हस्बैंड वाइफ रिलेशंस के ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ. लोगों को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर ये 3 चीज़ सही हो जाती है, बच्चों की पेरेंटिंग सही हो जाए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस सही हो जाए, और माहौल एक तनाव मुक्त माहौल हो जाए, वो चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बड़ों के लिए हो, अगर ये 3 चीज़ हो जाए तो हमारे देश के विकास को और कोई नहीं रोक सकता. थैंक यू सो मच सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा.